यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए हैं, मुझे जो हाई स्कूल में मेरे साथ फ्रेंड्स हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं कि तेरे को गढ़ तक छोड़ देते हैं, तो चलते हैं फिर इनके साथ में। हेलो बोल दो। हेलो हेलो। आ गए हम किले के सामने और मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे यहाँ तक ड्रॉप कर दिया था। पहले तो मेरा यहाँ तक पैदल आने का प्लान था, लेकिन वो मिल गई तो उन्होंने बोला कि तो जब ड्रॉप करेंगे तो जो आप सामने देख रहे हो ये अखे फोर्ट, ये किले का मेन द्वार है। और अभी जाते हैं हम इंटर। तो गाइस पहले आएगा अखे पोल, उसके बाद में आएगा सूर्य पोल, उसके बाद में आएगा गणेश पोल, उसके बाद में आएगा हवा पोल। तो सूर्य पोल है, वहाँ पे सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है, इसके कारण उसको सूर्य पोल बोलते हैं। और जो हवा पोल है वहाँ एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको हवा पोल बोलते हैं। और गणेश पोल है जो किले का निर्माण करवाया था उस टाइम से है, जो उस टाइम पे वो किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। तो गाइस ये है सूरज पोल, यहाँ पे ऊपर तोरण के टाइप में कुछ बना है, इसको तोरण पोल भी बोलते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं अपन आगे की तरफ, गणेश पोल से अब एंटर करेंगे हवा पोल और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस किले का निर्माण महाराजा रावल जैसल ने करवाया था, और यहाँ के अभी वर्तमान के जो राजा हैं उनका नाम बिरजराज सिंह है, महारावल बिरजराज सिंह। और ये यहाँ पे किले के साथ में साइड में दुकानें लगी हैं एज यूजुअल विद द फोर्ट्स। नहीं नहीं गाइड नहीं चाहिए, इधर चेंज चाहिए आपको। हाँ हाँ पता है मेरे, अरे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे मैं ना यहाँ पे एक्चुअली मैं आ चुका हूँ पहले, और इसकी हिस्ट्री वगैरह पता है मेरे को और यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत देखा है। इट्स ओके। तो यहाँ पे गाइड लोगों का काफ़ी क्रेज है, तो अभी हम जाएंगे किले के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि किले के अंदर तो वही है तलवार वगैरह पीढ़ी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, कपड़े वगैरह हैं पुराने। एक स्ट्रीट है वहाँ पर जा रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं पहले आया था। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, जब मेरा एयरफोर्स का मेडिकल हुआ था उस टाइम पे मैं यहाँ पे आया था। और मतलब मैं किले के एकदम नीचे रहता था, तो यहाँ पे किले पे तीन चार बार यहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे एक कैनन पॉइंट है, वहाँ पे आराम से बैठकर शाम को देखता था, तो काफ़ी मज़ा आता था। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, चलते देखो मेरे को जो उसका एकदम पूरा रास्ता पता है। और यहाँ पे देखिए किले के अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, और अभी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे काफ़ी शॉप है, यहाँ पे लेदर का भी सामान आप देख सकते हो। पॉइंट की तरफ यहाँ से पूरा सिटी दिखती है, और यहाँ पे यह जगह मेरे को यहाँ की काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक घर भी है पास में, तो देखिए आप, यहाँ पे एक कैनल लगी हुई है। पहले तो इससे गोले तक जाते थे सामने जो भी एनिमीज होते थे, लेकिन आजकल यहाँ से छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से रॉकेट दागते हैं यहाँ पे जो दिवाली के टाइम में। वहाँ पे दूर विंड मिल लगी है, जिसका जो एक राउंड होता है उसमें 5 लाख रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और उस साइड में गड़ीसर तालाब है, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। और यहाँ से पूरा गढ़ दिखता है, पूरा गढ़ में लगभग सारे घर पीले पत्थरों से बने हैं जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। मेरे कैमरे का रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी आंखों का रेजोल्यूशन इतना अच्छा है कि मैं इसको फील कर सकता हूँ। वही हम देखते हैं, ये मोटी वाली दीवार है, इस पर चढ़ कर देखते हैं सिटी के दृश्य को। तो जब आप देख रहे हो काफ़ी नीचा है इधर से, और मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, तो मैं थोड़ा आगे नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे शाम को यहाँ पे बैठ कर आप ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हो। तो यही कुछ है किला, एकदम लिविंग, इसको अगर लिविंग फोर्ट बोलते हैं। लिविंग फोर्ट बोलने का कारण ये है कि इसमें ना पूरे किले में काफ़ी लोग रहते हैं। लगभग यहाँ का जो पुराने जो राजा के जो साथी थे, जो उनके काम करते थे, वो सारे लोग इस किले के अंदर ही रहते हैं। इस किले में उन सबकी बसावट है। पहले यहाँ जो बाहर की साइड में जितने भी आपको घर दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान था,
धीरे धीरे यहाँ पे बसावट हुई है और बसावट यहाँ से स्टार्ट हुई है और धीरे धीरे ये हारमोनियम बताते हैं, इनसे बात करते हैं। हाउ आर यू ब्रो? आई एम वेरी फाइन। सो व्हाट डू यू डू हियर? आई एम प्लेजस एंड डेजर्ट म्यूजिक मैन। आई लिव इन विलेज इन द डेजर्ट। ओके। बट आई एम आर्टिस्ट कास्ट, नेम इज मगनिया, दिस कास्ट ऑन म्यूजिशियन। माय नेम रितु। यस। आई एम 15 इयर्स अगो प्ले टू हियर 3 आवर एवरी डे। दैट मीट इज लॉट ऑफ टूरिस्ट। टुडे मीट दैट बॉय। That boy. Yes. That boy. So nice to meet you, my friend. Okay. I am music man. So every guys meet in as you like. Then if no problem, be happy and play music. So musician cast. So you can say, you know, he's quite a fluent in English. So he can handle every guy who comes from foreign or everywhere in. See guys. His voice is so, so sweet. Avani marudan disi sundar koli rabalam adine. Kya baat hai, kya baat hai? Sani rabal aavo ji padharo man. Dekho, kala ka samman karna chahiye. तो इस कारण आपको भलो चुकायो भाटिया। अभी चलते हैं हम कैनन पॉइंट से किले के जो राजा रानी का महल है उस साइड में चलते हैं और वहाँ पे मिलते हैं आपको। आपको बता दें कि वो दशहरा चौक है वहाँ पे, वो क्या होता है वहाँ पे, क्या कुछ फेस्टिवल होता है यहाँ पे, कुछ खरीदारी हो रही है। तो गाइस अभी जो आप सामने देख रहे हो ये राजा का महल है और ये इस साइड में रानी का महल है। राजा के महल में झरोके काफ़ी बड़े बड़े हैं लेकिन रानी के महल में छोटे छोटे झरोके हैं। उस टाइम पे रानियों की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी राजपूतों के लिए, तो ऐसा कुछ सिस्टम था। अभी ये किले का मेन एंट्रेंस द्वार है, आप देख रहे हो ये दशहरा चौक है जहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े हैं। तो यहाँ पे दशहरे के टाइम में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें किले में जितने भी लोग रहते हैं उनको सभी को भोज कराया जाता है राजा की तरफ से। तो अभी मैं दशहरा चौक पे हूँ और इस साइड में रानी का महल है, ये राजा का महल है और ये चामुंडा माता का मंदिर है और उस साइड में जैन मंदिर है, ठीक है। और ये पूरा प्रांगण दशहरा चौक बोलते हैं इसको, ये पूरा इन चीज़ों से घिरा हुआ है और यही मेन जगह है और पूरे किले में आबादी रहती है। 80% यहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं। जब आप सामने देख रहे हो ये शौचालय बना हुआ है यहाँ पे, पब्लिक शौचालय, यहाँ पे आप शौच के लिए जा सकते हो। ये क्या है, राजा की राजगुरु की हवेली है क्या ये? तो ये भैया अभी पबजी खेल रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि ये राजा के राजगुरु की हवेली है। 50 रुपये टिकट है यहाँ पे जाने की। और ये सामने आप देख रहे हो ये शायद जैन मंदिर है। ये है ग्रेट जैन मंदिर, ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, माउंट आबू में, माउंट आबू में है ना। आई डोंट हैव दैट मच गुड आइडिया। तो ये उसकी तरह ही है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। प्रसिद्ध जैन टेम्पल जैसलमेर। अभी सेफ जोन की तरफ फॉल बैक करते हैं, यहाँ पे तो हम घूम लिए और जैसलमेर को आप रियलिटी में वहाँ की गलियों में घूम कर वहाँ की सिटी में घूम कर जान सकते हो। मुझे स्पेशली स्ट्रीट्स में घूमना काफ़ी अच्छा लगता है जहाँ पे काफ़ी नॉलेज मिलती है आपको। भैया हम भिलवाड़ा से, भिलवाड़ा से आए हो, करौली भिलवाड़ा से आए हो, तो आप गढ़ घूमने के लिए स्पेशली जैसलमेर घूम लिया पूरा? जैसलमेर लगभग घूम लिया काफी। तो कैसा लगा आपको जैसलमेर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से पटरों की हवेली, परिसर, तालाब और सलीम शाह की हवेली भी देखी आपने? सलीम शाह की अभी जा रहे हैं वही। अच्छा जी, माता जी के गए थे कल। अच्छा जी, बॉर्डर पे, बॉर्डर बहुत बढ़िया मंदिर, कैसा मंदिर, बड़ा सारी सुविधाएं दी है सर द्वारा, खाने पीने रहने हर तरह के बिस्तर वगैरह जो भी है सारी सुविधा मिलती है कनौट माता के मंदिर के पास। तो अभी आप और घूमेंगे, जोधपुर जाओगे? हाँ
रामदेवरा का। अच्छा ये बात है, रामदेवरा तो पास में जैसलमेर में ही है ना, पोखरण के पास में 80 किलोमीटर पड़ता है। थैंक यू अंकल, धन्यवाद आपका फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपका? मेरा नाम शाहरुख खान। क्या क्या चीज़ की शॉप है आपकी? ये कपड़े, कपड़े की शॉप है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन लोग भी आते होंगे यहाँ पे? खूब आते हैं, अभी तो अब नहीं आ रहे, ऑफ सीजन तो रहा। अभी आपको सीजन में काफ़ी घाटा लगा है यहाँ के लोगों को। जूस में भगवती जूस कॉर्नर से कमल किशोर व्यास। हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग हियर सर? सर हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग हियर? 6 years old. Do you live here? Yeah, we are living inside food in Kunpala. What kind of caste you are? Brahmin. You are Brahmin. How many Brahmins live in this fort? 80% area living in Brahmin. And other 30%? Other 20% community, Rajput community living. Or 10% Jains? No, any Jain, any other caste not living inside. Okay. They are coming, doing working and then outside. What kind of liquors you make here? We make fresh orange juice, no ice, no water, no sugar. If you are satisfied, then pay, otherwise free. Okay. Fresh orange juice, coconut water, lemon soda, buttermilk, mint mojito, virgin mojito, lemonade, sweet lemon, coconut. That is very great. Search our shop on Google Map, 4.9 rating. Okay. ये चामुंडा माता का मंदिर है और इससे इस साइड में भी जाते हैं, एक कैनन पॉइंट और है, वहाँ पे जाके काफ़ी मजा आने वाला है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है। तभी मेरे को तो ऐसे डर लग रहा है कि ये टूट जाएंगे तो क्या होगा। इधर तो गाइस अभी चल रहे हैं हम कैनन पॉइंट की ओर, सेकंड कैनन पॉइंट की ओर, राइट। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे एक कैनन लगी है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी सिस्टम वहाँ पे उस कैनन के पास में लगा है। तो अभी हम जाएंगे उस तरफ जा रहे हैं। This is a good combination of Rajput and Brahmin. So that is very great. अभी चल रहे हैं हम ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ही है सिटी व्यू पॉइंट, कैनन पॉइंट, कैनन देख रहे हो। अभी यहाँ पे बच्चे रॉकेट डाल के लगाते हैं दिवाली के टाइम में, पर ये मोटी मोटी पत्थर की दीवारें पूरे किले की चारों। देवरू चामुंडा माता का मंदिर है और ये हवेली है और ये है राजा का महल जो आप सामने देख रहे हो। सिंदूर के जो स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं वो है इंटरेस्ट, मेन इंटरेस्ट। तो अभी हम जाएंगे अंदर और देख दें क्या कुछ टिकट वगैरह है। तो गाइस ये जो आप मेन इंटरेस्ट देख रहे हो ये काफ़ी नीचे है। तो उस टाइम पे जो राजपूत लोग, जो बणिया लोग, जो भी आता था राजा के पास में उसको झुक के जाना पड़ता था, इस कारण इसको छोटा बनाया जाता था। तो गाइस अभी हम किले के अंदर आ गए और ये जो आप फोटो देख रहे हो ये इससे पहले राजा थे जिनकी डेथ हो गई थी 2020 में और ये 2021 में नए राजा बने थे, ठीक है। और अभी चलते हैं आगे की तरफ और ये यहाँ पर फोटो लगाया है राजाओं का और ये नीचे आप अमिताभ बच्चन की फोटो, हेमा मालिनी की फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे आए थे कुछ टाइम पहले, हाँ ये वाइट में जोधपुर के गत सिंह है और ये जैसलमेर का स्वागत कर रहे हैं, ये जैसलमेर में आए थे तो उनका स्वागत किया है, ठीक है। ओके सीढ़ियाँ बनी है तो सीढ़ियों से आते हैं ऊपर की साइड में। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ।
ये यहाँ पे आर्मर शस्त्रालय है इधर। अच्छा, ये महल सर्दी में गर्म होते, गर्मी में ठंडे, बाहर में अगर गर्मी है तो ये महल ठंडा रहेगा, बाहर में अगर ठंड है तो ये महल गर्म रहेगा। इसकी वजह ये है, छत देखो लकड़ी का है, वो कैमरा ठीक से ये लकड़ी का छत है, अभी गर्मी ठंडा हो सकती है। यहाँ पे मिट्टी गोबर का लेप था, आंगन था, अभी चेंजरी टाइल लगेगी। सबसे पहले स्टैंड वाली रैम जो फिक्स हो जाए, स्टैंड वाली बोलिए आप। ये है स्पेयर्स बोलते हैं भाले, ये शिकार करने के लिए और युद्ध करने के लिए काम लेते थे। यहाँ पे सांप का जहर होता था, अगर किसी को लगता था शरण जल करता था, आदमी जानवर खत्म होता। ये है कुकरी, कुकरी अस्त्र होता है नेपाल का, हमारी रानी नेपाल से है, ये हाथ से चलता था, इसको बोलते अस्त्र, ये दूर से फेंक सकते थे, इसको बोलते शस्त्र, तो अस्त्र एंड शस्त्र। यहाँ पे एक गन लगी है जिसको 5 इंच तक भरा जाता था यहाँ से, और ये काफी मोटी है। तलवार देखिए, सीधी तलवार और मुड़ी तलवार, हिंदू धर्म के राजा और सिख धर्म के राजा ये मुड़ी तलवार यूज करते थे, और मुस्लिम धर्म के राजा सीधी तलवार, क्योंकि हिंदू धर्म और सिख धर्म किसी को मारने के लिए झटका करते हैं, मुस्लिम धर्म में हलाल करते हैं, तो झटके की मुड़ी तलवार हलाल की है। इधर ये भाले का कैप, भाले के ऊपर पॉइजन होता था ना, हाथ में पॉइजन ना उसको कवर करते कैप पहनाते थे। ये बायोनेट बोलते हैं, संगीन चाकू बोलते हैं, ये बंदूक के आगे लगाते थे, अगर गोली खत्म हो जाए बंदूक में इसी चाकू क्या मैं बोल सकता था। यस सर, घोड़े के लिए। ये है चंद, ये है इसमें राजा का राजतिलक होता था, जहाँ चांदी का सिंहासन होता है, यहाँ पे राजतिलक होता है, फिर राजा बैठते मारो 1500 साल बाद में आए तो है। जो अभी आप सामने देख रहे हो ये है दीवाने खास, यहाँ पे राजा अपने बैठते थे अपने रियासत के लोगों के साथ में, और यहाँ पे जो आपको सीट लगी हुई है ये मैन सिंहासन था, और इसको सारा कांच से कवर कर दिया गया है ताकि ये कोई ख़राब ना हो, और ये पूरा चांदी का बना है। उस टाइम पे चांदी का काफ़ी शौक था इन यहाँ के लोगों को, तो ये चांदी से बना हुआ है पूरा का पूरा। फिर राजा बैठते मार्बल सिंहासन, वहां पे इनके जो राजगुरु होते हैं राजपुरोहित, वो राजतिलक करते हैं किंग कुमकुम से, फिर वो राजतिलक मार जाते हैं। तो ये देखो, इसको सिंहासन भी बोलते हैं, सिंह मतलब शेर, देखिए ऊपर शेर है नीचे शेर है, उसके ऊपर आसन बना हुआ है, इसलिए इसको सिंहासन बोलते हैं। तो ये देखो चांदी का सिंहासन है, और राजा 24 घंटा बैठ नहीं सकते, और खाली भी नहीं रखे जाए तलवार राजगति, इसलिए तलवार और राजगति। तो ये राजा चांदी का सिंहासन है, दीवाने खास में तो हम जाके आ गए हैं, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे 2 बार राजा यहाँ पे आते हैं, एक तो गणगौर के टाइम में एक और एक दशहरा के टाइम में, अभी बड़े फेस्टिवल होते हैं। अभी गणगौर 2 दिन बाद में गणगौर है, तो राजा आएंगे। और ये यहाँ पे है त्रिपोलिया, त्रिपोलिया में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। ये त्रिपोलिया के सामने मैं हूँ अभी। द्वार के लिए चित्र बने हैं, और अभी ये पूरा फोटो है कॉम्बिनेशन कॉम्बो में रजविलास की, और पूरा किला पत्थर से पीले पत्थरों से बना है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और इसमें भी जैसे इंटरलॉक का सिस्टम होता है, पानी वगैरह उस टाइम पे नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस टाइप का किला बनाया है जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला है। दरवाजे काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आपको एंटर करें ध्यान रखें कहीं पत्थर ना टूट जाए, आपका सर ना टूट जाए। यहाँ पे एक और गद्दी लगी है राजा की, और ये किले की एकदम ऊपर साइड में, और यहाँ से किला पूरा जैसलमेर पूरा चारों तरफ से देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पे ये जो आपको सर्कल से मिल दिख रहा है,
इससे दिशा मापक सूचक तंत्र काम में लेते थे पुराने टाइम में। इसके ऊपर साइंस वगैरह भी बने हैं, आप देख सकते हो। एक यहाँ पे भी है एक। तो गाइस यहाँ पे आपने जो भैया थे उन्होंने बताया कि ये जो आपको दिख रहा है ये टावर सा, इस पे लाल बत्ती लगी है, जिससे अगर लाल बत्ती रात में जगती दिखती है आपको, इसका मतलब है यहाँ के राजा यहाँ पे इस किले के अंदर ही हैं। और अगर यहाँ ये बंद होती है, इसका मतलब ये पास वाली रियासतों में आ फिर भी आ गए हम सर्वोत्तम विलास में। और ये यहाँ के अंदर का सीन है, ये काफ़ी अच्छा रूम है, लिविंग रूम टाइप में। और यहाँ पे ये कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं, और उस साइड में एक बड़ा सा चोंगा रखा है जो काफ़ी ऊंचा है। लाइक यू नो यहाँ पे जब अमिताभ बच्चन आए थे तो उन्होंने यहाँ पे देखा था, तो ये उनसे भी काफ़ी ऊंचा था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के कुछ राजा कितने कितने लंबे हुआ करते थे। और इस रूम में काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई है पत्थरों के ऊपर, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर यूज़ में लिए गए हैं। तो गाइस अभी चलते हैं रानी के महल की ओर। ये रानी का महल है इधर, और ये गणगौर माता की मूर्ति है, मूर्ति बनाई हुई है, और इसके पीछे एक चित्र लगा हुआ है। तो गणगौर के टाइम में अभी 2-3 दिन बाद में इसका यहाँ पे प्रोग्राम होगा गणगौर माता का, और उसमें एक कुछ मिट्टी की मूर्ति बनाई जाएगी जिसको गड़ी से ले गए वहाँ पर विसर्जित किया जाएगा। तो ये टोटली रानी का महल है। तो गाइस अभी यहाँ से हम नीचे जाते हैं रानी के महल में। ये महारानी का कक्ष है, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस कुछ लिखा है, तो यहाँ पे कुछ तैयार होगा कुछ दिनों बाद में। ये यहाँ पे एक छोटा सा कमरा भी है इधर, इसके ऊपर ताला लगा है अभी। और अभी आगे बढ़ते हैं, मेकअप का सामान है, जाते हैं बाहर की ओर, एग्जिट करते हैं। और जैसलमेर के महल के अंदर तो ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, आप आ सकते हो। और ये जो लोक संगीत कक्ष है, और ये यहाँ पे रानी का महल है। सोनार के ये म्यूजियम शॉप है इधर, और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या कुछ है, कुछ ऐसा सीन देखने को मिल जाए। रोड देख रहे हो, वहाँ से हम आए थे, और पूरा ये रानी का महल, इसके पीछे राजा का महल पूरा घूम लिया। और अभी चलते हैं नीचे की तरफ। एक गैलरी बनी हुई है, ये काफ़ी अच्छी, जो मॉल्स में पार्किंग होती है ना उस टाइप से बनी है। दशहरा उत्सव का ये फोटो है, और ये यहाँ पे काफ़ी पुराने फोटो चित्र। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार गोपा। तो आप यहाँ पे रोज छाछ बेचते हैं इधर? हाँ। कितने लोग पी जाते हैं लगभग पूरे दिन में? कभी तो भाई साहब 100 पी जाते, कभी 200 पी जाते, कभी 20 नहीं आते। क्या बात है, 20 भी नहीं आते। तो आप इस किले की जो रेटिंग है वो क्या देंगे, मतलब इस किले के अंदर जो मतलब सामान है जितना भी पुरातात्विक चीज़ें हैं, तो उसकी रेटिंग क्या है? 10 में से कितनी रेटिंग देंगे यहाँ पे? खाली 30% खाली। नहीं नहीं, 10 में से कितने नंबर दोगे इस किले को? 10 में से इस किले को? हाँ, 4 नंबर बस। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे काम करते हो, यही इस किले से आपका काम चलता है, फिर भी आपको इसको 4 नंबर दे रहे हैं। इसके अंदर भाई सब सामान कम है आजकल। हाँ वही 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 मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले इस कैमरे के अंदर, कि इसके अंदर उतना ज़्यादा सामान नहीं है जितना जोधपुर वाले किले में है, चित्तौड़गढ़ किले में है। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रेटिंग कम दे रहा हूँ। और इसकी फीस भी ज़्यादा है काफ़ी। 100 रुपये एंट्री फी, 150 मोबाइल कैमरे का। मोबाइल के है तो इतनी ज़्यादा फीस में इतना कम सामान। इनको खाली 150 रुपये टिकट रखनी चाहिए, मोबाइल कैमरा फ्री करना चाहिए उसमें। हाँ मोबाइल फ्री करना चाहिए, टिकट तो 150 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कह दी ना, मैंने जो बताया नहीं, एकदम सही बताया आपने, एकदम सही तरीके से बताया। मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, हम राजाओं के राजगुरु है। अभी आपने ये भैया बता रहे हैं सब कुछ, एकदम रियलिटी बता रहे हैं, राइट? आपका क्या नाम है अंकल? महेंद्र जी गोपाल। महेंद्र जी गोपाल, ये भी ब्राह्मण है अंकल मेरे। ओके ओके।